आज इन सब के लिए रोटी शोटी आ गई है, रोटी है, थोड़ी सी सब्जी है। हमारी सामने वाले सेटअप पे से ये वाली मुर्गियों ने, देसी मुर्गियों ने अंडे दिए थे। चाहिए चाहिए पागल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे। दोस्तों यार इनके लिए ना आज ये रोटी भिगो देता हूँ, और हमारी जो चूज़े हैं ना भूखे तो हो रहे हैं। वैसे हमारी मुर्गियों ने ना अंडे दिए हैं, दो देसी मुर्गियों ने ना ये अंडे दिए हैं। और एक और खुशखबरी है हमारे लिए, एक खुशखबरी ये है कि जब मैं इस दिन में ऊपर आया था ना, हमारे ना अंडों में से ना चूज़े निकलने, मतलब इतनी जल्दी चूज़े निकलने ना शुरू हो चुके हैं। हमारे जो इनक्यूबेटर है, मैंने मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ है अभी इनको, फिर भी उसके बावजूद ना अंडे मिलने से बच्चे निकलना शुरू हो गया था। एक में मैंने देखा था, अब पता नहीं वो जल्दी ही निकला है कैपिंग का टाइम पूरा हो गया है। फिलहाल टाइम तो पूरा नहीं हुआ अभी। ये देखें ये अंडा, देखें माशाल्लाह माशाल्लाह यार, मतलब कि इतनी जल्दी इन अंडों में से बच्चे निकलना ना शुरू हो गए। अब मैं इंतज़ार करूँगा कहीं ये वक्त से पहले कहीं मैं इसको खोल दूँ और ये बच्चा बेचारा जो ना इसका हालात बुरे हो जाए, मरमरा ना जाए। बाकी तो और इतने ज़्यादा किसी अंडों में से बच्चे अभी नहीं निकले, लेकिन ये बच्चे को बहुत ज़्यादा जल्दी थी तो ये जल्दी हैच होना शुरू हो गया। अभी बहरहाल मैं नए दो अंडे ले आया हूँ सामने वाले सेटअप से ना, तो ये रहे दोनों अंडे। इसको ना मार्कर से इनके आज की डेट लिखते हैं और इस पर रख देते हैं बकाया अंडों पर। आज की डेट मैंने इन पर लिख दी है, ये अंडे रखे जाएंगे अब यहाँ पर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हो सकता है रात तक ये वाला बच्चा ना निकल आए, क्योंकि देखें अच्छा खासा निकल गया है। बाकी के अंडे अभी हैच नहीं हुए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारे बहुत जल्द ना सारे के सारे चीज़ बाहर निकलने वाले हैं यार। मतलब कि इतनी खुशी हो रही, छोटी छोटी चूज़े हमारे मशीन में से बाहर आ जाएंगे। यार पानी की बाल्टी मैंने भर ली है, और ना इसके अंदर अब रोटी डाल के यहाँ पर रख देते हैं, ताकि ये सारे जो हैं तड़प जो रहे हैं इनको फटाफट हम लोग रोटी वगैरह दें, सब्जी अभी डाल देते हैं, क्योंकि हमारे चूज़ों से सब्र होना नहीं है। ये थैली वेली फेंक देंगे यहाँ से, रोटी अभी भिगो देते हैं, जब ये थोड़ी देर तक सेट हो जाएंगी ना तो फिर देंगे। माशाल्लाह से आज ना इतनी ज़्यादा सर्दी, ओए चलो उधर, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है आज, निकली हुई है धूप। ये देखें माशाल्लाह से आज धूप निकली हुई है, और इन लोगों के लिए मतलब अच्छा मौसम है ये सर्दी में ना, बहुत ज़्यादा प्यारा मौसम है। तो अपने किंग को भी खोल देते हैं, किंग को हम लोग बंद करेंगे टोकरे के अंदर, टोकरे में किंग बंद होगा, वरना तो फिर बाहर आके ना ये सबसे लड़ेगा, फसादे मचाएगा। इस टोकरे में इसको बंद करते हैं, और अपने काड़े मुर्गे को भी बाहर खोल देते हैं। चलो यार किंगू मास्टर आ जाओ, बाहर आओ, आप बाहर जाओ, और हमारे काने वाले मुर्गे आप भी बाहर चले जाओ। और कौन बाहर जाएगा इनमें से? फाइटर भी बंद रहेगी, बहुत ज़्यादा फट्टे करती है। हमारी ये वाली दो मुर्गियाँ जाएंगी, इनके भी फट्टे बहुत होते हैं, लेकिन खैर है इनको बिना बाहर खोल देते हैं हम लोग। आ जाओ बाहर, आओ बाहर आ जाओ। चलो हमारा किंग बाहर चले गया। दोस्तों अभी ना एक सीन हुआ था, मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो सीन हमारे डब ने करा था। पहले इनको बाहर निकाल दूं, फिर आप लोगों को तफसील से बता दो सारा मामला हुआ क्या था। हेलो ना कानू, अंदर ही बैठ गए तुम, चलो। अबे यार क्या है, आओ आप भी बाहर आ जाओ। ये भी बाहर आएगी, और इनमें से ना इन तीन में से चारों में से एक बच्चों वाली, ये दूसरी, ये तीसरी, चौथी, इनमें से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा जो फड्डे ना करते हो। इनका चूज़ा थोड़ा एक सुस्त है, तो हम लोग इसको खोल देते हैं। और जो हमारा बीमार चूज़ा है वो कहाँ गया? अभी भी वहीं मुरझाया बैठा है, फाइटर का चूज़ा। तो इस फाइटर के चूज़े को ना यार ये चोंचे मारेगी, इसको अभी भाप देनी पड़ेगी, स्टीम देनी पड़ेगी, वो मारेगी ये, अभी बंद कर देते हैं फिलहाल। दोस्तों यार सीन कुछ ऐसा हुआ था कि हमारी ये जो डब है ना, इनमें से एक डब जिसका ना बच्चा निकला हुआ है, मैं दिखाता हूँ, माशाल्लाह से ये बच्चा निकला हुआ है, और डब भी ये बैठी है। इस डब ने पता है क्या हरकत करी, ये निकल गए कहीं से बाहर, सुबह में दाना पानी देते हुए शायद निकल गई, निकल के बाहर जब मैं छत पर आया हूँ ना, तो मैंने देखा कि ये बच्चा बाहर बैठा हुआ है। चलो मेरे को इतना कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने देखा हमारी डब ना एक यहाँ पे बाहर निकल के बैठी, मैंने इसको पकड़ने की कोशिश करी, ऊपर बैठी, यहाँ से उड़ी, और फिर नीचे गली में कूद गए। गली में एक छत पे बैठ गए, इसको बड़ी मुश्किलों से यहाँ से ना गमलों में से पत्थरे मार मार के इसको नीचे उतारा। ये देखें सारे गमले मैंने उखाड़ दिए हुए, इसमें से इसके थ्रू ना मैंने ये पत्थर निकाले मोटे मोटे, उठा उठा के फेंके उनकी छत पर, तो जाके ना कहीं डब वहाँ से उड़िए, उड़ के फिर नीचे जाके बैठिए, तो उसको पकड़ के मैं लाया हूँ कि इसका बच्चा कहीं मर ना जाए। इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी है, यहाँ पे सारी चीलें मंडाने लग गई थी, सिर्फ और सिर्फ इस एक डब की वजह से। इतना सुबह में तमाशा हुआ है, एक डेढ़ घंटा इसने ना मेरा ख्वार करवाया। ये देखें अभी भी गेट के पास, चलो बदतमी, इसके ना पैर में ग्रीन कलर की रिंग है, ये वही डब है, ये इसके पैर में रिंग होगी एक ब्लू कलर की ना, अभी भी यहीं बैठी हुई है बदतमीज कहीं की, इसी ने तमाशे करवाए सुबह में। थोड़ी बहुत सब्जी अभी यहाँ डाल देते हैं, आ जाओ भाई खा लो खा लो खा लो खा लो, ओए रुको रुको थोड़ी सी खाओ। ओए पागल हो रहे हैं सारे यार, इतनी इसी है मैं किस किस को दूँ। वो देखें ये भी पागल हो रहे हैं सारे, ये भी पागल हो गए,
लो चुन्नी चुन्नी ले लो, बस चखने के लिए ले लो। ओ इतनी सारी गिर गई यहाँ पे। और ये हमारे बच्चों को दे देते हैं क्योंकि इसके बच्चे बहुत ज़्यादा हैं। जाओ अंदर जाओ, ओए अंदर जाओ, पागल कहेंगे। यार आप भी ले लो टुनटुन मौसी, एक ही पीस बचा, ये आप खा लो। ओ ले लेके भाग गए, एक दूसरे के पीछे पड़ गए सारे। क्या क्या नहीं है और ख़त्म हो गई, बस जाओ अंदर जाओ। ये देखें बावले के ऊपर पड़ी हुई है, इसको नज़र नहीं आ रही। ये लो अटा, ये लो ये भी खाओ। बस इतनी स्लो स्लो खानी है तो फिर दे दो ना, आप लोगों ने खानी क्यों है, इधर दे दो। और बेचारे नियत लगा रहे हैं, उन सब में से किसी को दे दो। ये लो खा लो खाओ। वो ओ ओ ओ ओ ओ मुर्गी पागल हो रही है, ये लो खा जाओ पागल चूचे। यार दोस्तों मैंने ना सुबह ये देखें थ्री इडियट्स के काम देखे यहीं बैठे हुए, सुबह में ना इनके अंडे चेक करे थे तो जो जो ख़राब अंडे थे मैंने यहाँ फेंक दिए थे और सिर्फ एक ही मट्टी में अंडे रखे थे। इसके अंदर तीन अंडे जो फर्टाइल थे बाकी अनफर्टाइल थे तो वो बाहर फेंकने पड़े। हमारे थ्री इडियट्स कहाँ गए, ये रे चलो 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 बाहर चलो। वाइट वाला कहाँ है तुम्हारा, और वाइट वाले इडियट इधर आओ, तुम बीमार हो ना, बाहर जाके खाओ। चलो चलो बाहर चलो चलो। इसको भी दवाई देनी है, अभी इसको स्टीम लगानी है। अंदर एक चूज़ा है फाइटर का हमारी, इसको स्टीम लगानी है। बाकी सारे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ठीक ठाक लग रहे हैं। सामने वाले सेटअप से भी यार सामान लेके यहीं पे रख लेंगे, जगह भी थोड़ी सेटिंग बनाते हैं ताकि ना सेटिंग बने तो यहाँ पे नहीं सबको रखें। ये वाला केज मैंने खाली कर दिया हुआ था रात में, इसमें सर्दी बहुत हो जाती है ना, तो मैंने ये करा के अपनी फाइटर को यहाँ पर छोड़ दिया। वो रही हमारी फाइटर, वो रही हमारी फाइटर, तो इसको यहाँ पे बंद कर दिया ताकि ठंड से इसके बच्चे बचे रहें, बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। रोटी कुछ नरम हो गई है, पहले से कुछ बेहतर हो गई है लेकिन अभी भी कड़क ही है, लेकिन गुजारे लायक है तो गुजारे लायक है। इसको ना चूर के दे देते हैं इनको, बहुत ज़्यादा ना लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं। ओए चलो अंदर चलो, अंदर आओ अंदर आओ, इधर आओ, सारे भी पागल हो जाएंगे रोटी को देख के। बेचारे का ज़ख्म सही नहीं हो रहा, आहिस्ता आहिस्ता ही सही होगा। यहाँ से खाओ चलो। अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रोटी की है वो है हमारे थ्री इडियट्स को। ओए इनके काम देखें यार, ये वाइट वाले को खाने की ज़रूरत है यार, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है बेचारा, इसकी तबीयत भी ख़राब है और ये बुखार भी है इसको। सबको इन सबको दे देता हूँ मैं, अंदर चूज़े भी बेचारे फिरा रहे हैं, इन सबको देता हूँ फिर आप लोगों से मुलाकात होती है, क्योंकि एक हाथ से मैं दे नहीं सकता इनको। मैं इन लोगों को देना ना एक मुश्किल काम है, चूज़ों वाली जो मुर्गी है ना, एक दो तीन चार और ये पांच, पांचों ने यार बहुत बुरी बुरी चोंचें लगाती हैं। ये बच्चे हैं ना इसके टुनटुन मौसी के भी बहुत मारते हैं, मैडम की भी ना, इनको बस ज़रा से जैसे डालो ना ये देखते नहीं है कि भाई रोटी है हाथ है, ये फ़ौरन ना टुइयाँ मारना शुरू हो जाते हैं। ये लो खाओ आराम से सकून से। ओए चलो तुम उधर। ये मेरे ख्याल से डव है ना, इसको चस्का लग गया हुआ है, ये बाहर आने की करती है। ये लो रोटी चाहिए, रोटी खाओ। वो उड़ गई बाहर पर, वहाँ जाके बैठ रही है, दे रहा हूँ। एक चूजे वाली मुर्गी हटो, ढोंगिया नहीं मारना, हटो आ जाओ। भाई फाइटर ने टिका देना, एक हाथ टिका ही देना इसने। चलो अंदर चलो अंदर। ओए इसको दूर से फेंकना पड़ता है यार, वो बच्चा सुस्त हुआ पड़ा है, मैं हाथ डालने से डर रहा हूँ। मैंने हाथ डाला इसने चोंच चोंच लगा देनी है मेरे को, फ़ौरन रेडी हो जाती है मारने के लिए। वो बच्चा बेचारा ना खा नहीं रहा बिल्कुल भी कुछ भी। उधर मैंने दूर करके फेंका, उसने चोंच मारना शुरू करी है। चलें खा ले, असर के टाइम पे ना इसको ना मैं फिर स्टीम लगाऊंगा ताकि थोड़ा सेट हो जाए। यार अब हल्का हल्का ना पानी इसमें गिराते हैं ताकि ना रोटी जो नीचे है वो निकल आए ऊपर, तो इन लोगों को दें हम लोग। बाकी का इस गमले में डाल देते हैं, और नीचे से रोटी आ गई, आ गई बस आ गई। चलो भैया आ गई, अब ये डालेंगे हम अपने। बाहर जो ये घूम रहे हैं ना इन बदतमीज, इसमें देखें बदतमीज कितना, इसने खाया नहीं है यहाँ से। आ जाओ ये लो खा लो। ये मुर्गी पता नहीं कौन सी क्रीम लगा रही हुई है, दिन ब दिन ना भोरी होती जा रही है। वो देखें मुर्गे का कलर देखें, इसका कलर देखें, वो मुर्गी भी हालांकि इसी की बहन है, वो इतनी गोरी नहीं है। ये देखिए पेपर वाइट होती जा रही है बिल्कुल। ओए तुम क्यों सुस्ता रहे हो यहाँ पे, वो देखें यार इनकी आते जाएगी नहीं, बाहर रोटी पड़ी हुई है सब पड़ा हुआ है, उन्होंने अंदर आके कचरा ही खाना होता है। चलो बाहर चल। हमारे ये वाले तोतों को भी पता नहीं क्या हुआ हुआ है, देखें मुरझाए मुरझाए बैठे सारे। ओए सो रहे हो, बाकी मुरझाए हुए हो, उठा के देखते हैं। नहीं यार ऐसे तो सेट हैं सारे, सही उड़ रहे हैं सही भाग रहे हैं।
फजूल ड्रामों में बैठे हुए हैं ऐसी। दोस्तों यार इंशाल्लाह हम ना कुछ टाइम में यहाँ पे जगह बना के सेटिंग बना के ना सामने से भी जितनी भी सारी चीज़ें ना सारी ला के शिफ्ट कर लेंगे। हमारा एक वाइट मुर्गा भी अभी सामने ही है और भी बहुत सारी चीज़ें, मुर्गियाँ भी सामने बैठी हैं अंडों पर, उनके भी बच्चे निकलवाने हैं तो बस वो भी निकल जाए। हमारे इंक्यूबेटर में से भी बच्चे निकलवाने वाले तो फिर सबको ना यहीं केज में जगह बना के ना यहीं रखा करेंगे। दोस्तों यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल जैनी पेट्स ऑफिशियल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमने कल वाले ब्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।